आज हमारा नॉर्थ ईस्ट आर्ट मोबर वेलफेयर सोसाइटी का इस दिन जो है आज इनॉग्रेशन किया है। जो हम लोग का अर्थ मोबर का जितना गाड़ी है जो अंदर जो आता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ डी पप्पू नाला ये हिम तेल डिपो नियर सामने पे है। लेन डोनर जो है किपा बाबू है, वो हम लोग का कॉम्बिनर में भी है। इसलिए उस चीज़ में जितना भी अभी बाहर का जो गाड़ी है हम लोग का जितना अर्थ मोबर का है यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। और हम लोग गोरों में कासो साहब का जो तेल डिपुक है इसी में भी हम लोग को वहाँ भी हम लोग अभी चुना है, उधर भी हम लोग स्टिंग करेंगे। तो आप लोग का आज कितना ये पार्किंग लोग का इनॉग्रेशन हुआ है, यहाँ में कितना आप लोग का जेसीबी यहाँ में? ना यहाँ पर जेसीबी तो बहुत काफ़ी है, यहाँ में जो नहर लगोंग जो है पप्पू नाला नहर लगोंग एक स्टेन ही होते हैं। अभी दो स्टेन मैंने बना दिया और एक तो गोरों में बनाया और एक यहाँ पप्पू नाला, क्योंकि पहले NRL में था। NRL जो हाईवे जाने के वजह से हम लोग यहाँ वो काफ़ी वो कंफर्टेबल नहीं था, वो थोड़ा कंजस्टेड था। और अभी हाईवे भी गया और तालो पट्टम ने DC साहब ने अच्छी तालों ने, तो उसके लिए तो हम लोग को ऑर्डर दिया है यहाँ पार्किंग करने को। यहाँ पर AAC भी आया, SK मंडल भी आया, विजिट किया सब, उसने उन लोग मिल के चुना गया हम लोग भी। हाँ, और काफ़ी तो मिशन ईटानगर का भी करेंगे, वहाँ भी हम लोग जगह को उधर भी हम लोग कहीं जगह अपील करके रखा है, प्रपोजल है अभी, उसको भी हम लोग अभी उधर भी अभी करने जा रहा है। और फिलहाल जो अभी हम लोग का ये है कि जितना भी मिशनरी है तो यहाँ काफ़ी बहुत सारा है, यहाँ टेपर डम्पर मेरा आर्ट और जितना पोकलेन जो काफ़ी यहाँ पर हम लोग के लिए एकदम सेटिस्फाई है। इसलिए हम लोग जो है अभी एंटर अभी न्यूर्जिली का भी करेंगे और अभी ईटानगर का भी करेंगे हम लोग का। तो आज ये हमारा स्टेट यूनिट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का ही तौर से ये जो स्टेन भी सक्सेस हुआ। तो सर, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि DC ने भी आप लोगों को परमिट दिया है ये जो आप लोग का पार्किंग लॉट को, जो कि काफ़ी ट्रैफिक को शायद ईज भी करेगा होगा, तो DC ने और क्या क्या आप लोग को परमिशन परमिट किया? अच्छा, इस DC का जो परमिट है मेरा सिद्धार्थ पत्तम जी, वो एक्चुअली हम लोग को AAC लिखा रहते हैं हम लोग अच्छी, उसको ये किया था, उसको मार्क किया था, उसने आके जगह को विजिट किया, तो जगह को विजिट हम लोग जो है बाबू सर का जो वाइफ है उसके लुसी किपा उसका नाम पे हम लोग जो लैंड का एग्रीमेंट किया। तो यहाँ पर लैंड हम लोग का है 2400 स्क्वायर मीटर, इस अंडर में कवर अप किया कि DC उसको मेंशन करके DC इतना गाड़ी 19-20 गाड़ी का पार्किंग का जोन अवेलेबल है, सेटिस्फाई है बोल के AAC भी अप्रूव किया, मंडल भी आया। तो उसमें डिटेल्स लिखा गया कि मैं भी सभी को मैं अनाउंस करता हूँ कि मेरा जितना मेंबर है जो JCB जो ओनर है ड्राइवर ऑपरेटर है, या तो पूरा डिटेल डायरेक्ट लिखा है कि उसमें बहुत कुछ लिखा है। अच्छी डालो प्रथम अच्छा के लिए हम लोग को पास किया है, अल्कोहल जैसे अपू सपू नहीं पीना, पी के नहीं चलाना है, और जो पब्लिक का प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। हाँ, और कोविड का ये थोड़ा मेंटेन करना, इस चीज़ के लिए भी लिखा है। तो वो चीज़ को हम आशी तत्लो पत्तम ने जैसे ऑर्डर पास किया है हम इसी हिसाब से फॉलो करेंगे हम लोग। कुछ हाँ, उन्होंने कहा अगर उसका ये जो दिया है उसको वायलेशन करने का कुछ आप लोग को कंसिक्वेंसेस भी होगा अगर उसका लिखा वाला को आप लोग ढंग से फॉलो नहीं करेंगे? हाँ हाँ, उसको लिए तो हम लोग उसका फॉलो करेंगे, तो वो कानून कार्रवाई करेंगे। जो आशी तत्लो पत्तम जैसे जो एक्शन लेता है वो हम भी एक सोसाइटी का नाते हम लोग भी साथ देंगे, क्योंकि जो ड्राइवर ऑपरेटर है वो पीना नहीं, ट्रैफिक को मेंटेन करना है वो भी, और
इलीगल आर्क कटिंग नहीं होना है, वो हम अच्छी तालो पत्तम जैसे जैसे डीसी जो है अगर वो रूल पे हम लोग मेंटेन करेंगे सिस्टम। आपने जो अभी इलीगल आर्ट कटिंग का मेंशन किया है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि डीसी का मना करने पर भी कई लोग जैसे भी हायर करके इलीगल आर्ट कटिंग होते हैं, उसके वजह से आईसीआर में काफ़ी इंसिडेंट भी हुए हैं, किसी से भी ये बात नहीं छुपा है, तो आप वो चीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ, इसके लिए हम लोग अभी हमेशा ये मेरा स्टेट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो स्टेट का लोग है, इसके लिए हम लोग आज मीटिंग एक बैठेंगे और हमेशा बैठता है, अभी आर कटिंग इलीगल कभी करने नहीं दूंगा। और हम लोग डीसी का साथ में कॉपरेट डीसी के लिए हम साथ में हमेशा टचिंग करेंगे। अभी आर इलीगल आर कटिंग तो बिल्कुल हमारा सोसाइटी तरफ से मना करेंगे, तो हम लोग डीसी का जो परमिट है वो चीज़ को हम लोग चेक एंड बैलेंस करेगा, अब कहीं और हैपिन ना आए हम लोग भी चाहता है। तो हम लोग का हिल एरिया में तो काफ़ी बारिश सीजन में प्रॉब्लम होता है, हम लोग भी समझता है पब्लिक के लिए, इस चीज़ के लिए हम लोग जो सोसाइटी गठन किया है कभी इलीगल काम ना करें। आप लोग का तरफ से ये स्टेन आप लोग का नेतृत्व में इसको रखा जाएगा, तो आप लोग का तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मीडिया टीम। तो हम लोग का आज का प्रोग्राम जो ऐसे है कि स्पेशली पब्लिक ग्रेविशंस पब्लिक बेनिफिट के लिए हम लोग किया है। तो पहले ये जैसे भी फोकलैंड स्टैंड नहीं होने का कारण से बहुत प्रॉब्लम होता था, कहाँ में है पब्लिक लोग ढूंढता था। तो हम लोग इसलिए मतलब यहाँ में एक अच्छा स्पॉट चुन के या स्थान बनाया है, तो कोई भी यहाँ आके जो भी ज़रूरत होगा जैसे भी फोकलैंड का ज़रूरत होगा यहाँ में आके यहाँ से आप लोग ले जा सकता है। तो इसी हिसाब से हम लोग ये अच्छा जगह चुन के ही में बनाया है। आजकल फोकलैंड का रेट जो कितना हो गया प्राइस जो? प्राइस जो हम लोग को डीसी साहब ने ऑर्डर दिया था पहले लास्ट टाइम में ये 4,800 कुछ करके, तो उसका तो कोई कोई तो हम लोग का कस्टमर लोग मानता नहीं है, इतना में बहुत ज़्यादा है कुछ कुछ है, तो उसी का चलते नीचे में हम लोग कुछ कुछ नेगोशिएशन में कर लेते हैं जो कस्टमर के साथ रहता है ना। टेपर जैसे भी पोकलैन मालिक जो हम नॉर्थ ईस्ट आर्थ मोवर्स यानी लोकम ताला सर की यूनियन में हम जुड़ना चाहते हैं, इसको ही हम फॉलो करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ में कोई अलग कुछ आर्ट मूवर का यूनियन का नाम कभी सुना? नहीं, अभी सुना है और अभी सुनने के बाद हम तालो सर का जो यूनियन है इसको हम अब तालो सर का यूनियन में ही क्यों जुड़ना चाहते हैं? नहीं, वो तो अपना ऐसा है कि अपना पसंद है और लोग हमें परेशान करते हैं, ये सर अच्छा है, हमें कोई परेशानी नहीं देता है।